Hi everyone, my name is Shyansh Basin and welcome back to the channel The Investology. So guys, कल मंडे है एंड अभी हम बात करें सैटरडे और संडे की, तो ना ज्यादा बुरी खबर आई है ना ज्यादा कोई अच्छी खबर आई है, तो मार्केट मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि मार्केट की ओपनिंग किस तरफ से होगी, क्योंकि वो पूरी ओपनिंग ना पूरे हफ्ते को डिसाइड कर सकती है। बिकॉज अगर दो दिन सैटरडे संडे जो मेन वीकेंड होता है, अगर वहां पर वो न्यूज कोई ज्यादा बुरी नहीं आई है ना, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद अगर मार्केट अच्छा लेवल पे खुलती है या ऊपर जाना स्टार्ट करती है मंडे के बेसिस पे ना, तो एक बड़ी मूवमेंट हम लोग आ सकती है इस हफ्ते। तो पूरा एग्जामिन करते हैं। तो मैंने तीन स्टॉक्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं एंड जो भी रखे हुए थे पहले वाले भी, वो भी अच्छा वर्क कर रहे थे। तो एक बार चेक करते हैं मार्केट का सिनेरियो, ओपन इंटरेस्ट का डाटा एंड एवरीथिंग, एंड एक डिसीजन अपना साथ में लेते हैं। ठीक है, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल दोपहर को 2 बजे के आसपास लाइव भी आने की कोशिश करूं, या फिर अगर मुझे कोई मूवमेंट दिखना स्टार्ट होती है ना मार्केट के अंदर, आई विल लेट यू नो इन माई टेलीग्राम चैनल, तो जहां पर आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है और वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूं। ठीक है, तो एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे और चेक करते हैं कैसे मार्केट को काम करा के चल सकते हैं। चलते हैं। ओके, सो हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट पेपर पे अगर हम लोग चेक करें तो एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है ना, वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन रखा हुआ है। ठीक है, सो ना वीकली टाइम फ्रेम एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है। हमें फ्राइडे के सेशन पे एक बड़ी मूवमेंट भी आने को देखने को मिली थी, बट अगर आप इस ब्लू कलर के जोन को चेक करोगे ना, तो ये मल्टीपल एक रेजिस्टेंस है। फेब 2019 से ये ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे जब इसने ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद से ये कभी भी इसके ऊपर जा नहीं पाया, और अगर गया भी है तो उसे विक की क्लोजिंग हुई है और बॉडी क्लोज ऊपर नहीं कर पाया, जो कि 290 रुपीज का लेवल था। अभी ट्रेड कर रहा है ये 267 रुपीज पे। मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली 283 से लेकर 290 तक तो जा सकता है, और अब आई थिंक शायद इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो इट टाइप ऑफ क्रिएटेड एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आई थिंक इसका ब्रेकआउट आ सकता है, तो हम इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर लेकर चलेंगे। अगर मार्केट स्टेबल टू स्लाइटली अप ट्रेंड भी रहती है ना, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है इस हफ्ते। तो हम लोग एक पूरा हफ्ते का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहे हैं। अगर कल ये वर्क नहीं करता तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे को कर सकता है। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 267 रुपीज पे। वेस्ट कोस्ट पेपर 283 टू 290 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली 305 तक के टारगेट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक। तो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है NMDC। ये भी पूरे हफ्ते के लिए है और मैंने इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम ही ओपन करा हुआ है। अगर यहाँ पर आप चेक करोगे, एक बहुत अच्छी बड़ी मूवमेंट आई, आफ्टर दैट इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन एक बहुत बड़ी अपमूव आई, अगेन इट क्रिएटेड अ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग के थ्रू इसने 61% पे पॉज लिया और वहां से ऊपर जा रहा है। अगर मैं इस चीज को हटा भी देता हूं अभी के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं फॉल करने के बाद क्रिएटेड एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 157 रुपीस पे। अगर ये 159.50 के ऊपर या 160 के ऊपर निकलता है, तो 20 रुपए से 25 रुपए की मूवमेंट बड़ी आ सकती है। तो यानी कि अगर इस लेवल का एक ब्रेकआउट होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूवमेंट ऑफ अराउंड 180 to 185 रुपीस, और ये इस हफ्ते भी शायद टारगेट अचीव कर सकता है। तो इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, आई थिंक ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। स्टॉक नेम इज NMDC। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। अब थर्ड स्टॉक इज लिंडे इंडिया, और ये स्टॉक मैं आपको बहुत टाइम से देता हूँ, मतलब आपको आप मान के चलो मैं आपको 2500 से 2600 रुपए के लेवल से प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक। जब इसका लो लगा था इस हफ्ते का, मैं तब से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2785 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूं, आप चेक करिएगा, ये आप दिख रहे हैं इस लाइन, ये ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने क्लिक खींच रखी है, इसके ऊपर अभी तक ये गया नहीं है। ये हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता था, बट अगेन एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाता था, और एक भी वीकली कैंडल बुलिश क्लोज इसके ऊपर नहीं हुई है। अगेन इसने आज इसको टेस्ट करा है, और अगला हफ्ता कल स्टार्ट हो रहा है, अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बना सकता है। सो अभी ट्रेड कर रहा है 2785 रुपीस के आसपास। मुझे लगता है एक बड़ी मूवमेंट इसके अंदर आ सकती है, और ये ऑलमोस्ट 3000 तक तो मिनिमम मैं लेकर चल रहा हूँ, जो कि हमें लेकर जा सकता है। आफ्टर दैट 3300 to 3400 के भी टारगेट इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये आप 3 महीने के लिए भी होल्ड करके रखोगे और बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनाओगे इस स्टॉक के अंदर, तो ये बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट डाटा की, और फिर अपना डिसीजन लेते हैं मार्केट पे। ओके, सो मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, और ये पूरा साइडवेज ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर पहले भी हमें पास्ट में एक रेंज पूरी इसके अंदर ही देखने को मिली थी, आफ्टर दैट अभी हम लोग रिसेंट देखे तो दोबारा इस रेंज के अंदर ये आ चुका है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है ना, अगर इस रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है,
अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे लिए एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, अदरवाइज अगर हल्के हल्के करके नीचे जाता है तो हमें डरने की बात नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी होगा तो अगले टाइम एक रिकवरी आ सकती है। अब हमारे लिए एक बढ़िया डिसीजन ये बन सकता है कि इस ब्रेकआउट में बाय करें, और अगर ब्रेकआउट आता है तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस पे भी बन सकता है और उसका ब्रेकआउट आ सकता है। देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो गैप है, ये गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा जो ड्रिविंग पॉइंट है जो हमारी मार्केट पे ज्यादातर इंपैक्ट कर रहा था वो था क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल बहुत तेजी से गिर गया था 12-13% फ्राइडे को, तो हमारी मार्केट ऊपर खुल गई थी और ऊपर भी सस्टेन कर गई थी। ये जो फॉल था, ये फॉल पे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये मतलब जो दो दिन से हमें चल रहा था 11 और 12 तारीख को, बट येस डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बॉटम पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है दो, तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अगर कल नीचे गैप डाउन इस लेवल पे खुलता है और यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करता है तो शायद हम एक शॉर्ट का ट्रेड ले लें, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। और बुलिश में अगर इसके ऊपर निकलता है तो येस देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट अराउंड 17,000 लेवल, और वहां तक के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो इस रेंज के अंदर, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी एंड फिर अपना पूरा ट्रेड को फाइनल करते हैं। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी ने सेम चीज पोज करी है। बैंक निफ्टी ने हमें यहाँ पर ये दिखाया कि ऊपर गया नीचे आया। मैं कह रहा हूं अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आता है ना और ये आ जाता है 33,500 तक भी, 33,600 तक भी आ जाता है ना, ऑलमोस्ट अगर 900 पॉइंट की फॉल आती है ना तो भी मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। व्हाई? पहला लॉजिक, ये प्रीवियस स्विंग लो था, हाई था, इस हाई को ब्रेक करा, सस्टेन करा, अब नीचे आ रहा है। दूसरी बात, ये इसका प्रीवियस स्विंग लो है, अगर इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद ऊपर चला गया, विच इज अ वेरी गुड साइन, तो यानी कि कंटिन्यूस हायर हाई एंड हायर लो बन सकता है। अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी फॉल आ सकती है और कहां से रिकवरी आ सकती है? सो फॉर दैट वी आर यूजिंग फिबोनाची फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड ये जो जोन देख रहे हो ना, ये जोन 61% रिट्रेसमेंट का लेवल है। अगर यहां तक फॉल करता है और यहां से एक रिवर्सल देता है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी एज वेल। ठीक है, एक बार मैं दोबारा निफ्टी दिखाना चाहूंगा। निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी में जो प्रीवियस का स्विंग लो था, प्रीवियस का जो स्विंग हाई था, दैट इज दिस लेवल, और इस लेवल के ऊपर ही गया नहीं है, तो निफ्टी में आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। बट अगर ये इसका ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम, बिकॉज एक बड़ी मूवमेंट के बाद इसने पॉज लिया है, तो ये बड़ी मूवमेंट कैप्चर करना इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा की एंड इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड लाइव तो मैं आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्रिप्टोस में लाइव ट्रेडिंग जाननी है, कैसे मैं करता हूँ, कौन से ट्रेड्स आप ले सकते हो, तो मैं एवरी दो दिन के अंदर अंदर एक बार लाइव आता हूँ और आप उसको हमें ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ओपन इंटरेस्ट डाटा की बात करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट को ओपन कर लिया है एंड 17th मार्च की नेक्स्ट एक्सपायरी है, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले कॉल और पुट का हम लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो टोटल कॉल 48 मिलियन है एंड टोटल पुट है 34 मिलियन, और अभी रिसेंट की बात करें तो 18 मिलियन ऑन कॉल एंड 16.3 मिलियन ऑन पुट, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग डाटा को स्टडी करें तो हमें पता चल रहा है कि 16,600 एंड 16,700 ये एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यहाँ चेक करें तो 16,750 है और 16,450 है, तो इस रेंज के अंदर ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें एक चीज़ तो पता चल चुकी है कि ना चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि ये पूरा रेंज है और हमें यहाँ पर भी एक पूरी रेंज शो कर रही है। तो अगर 16,700 के ऊपर निकलता है और अगर 16,750 का ये रेजिस्टेंस ही है, तो अगर ये ब्रेक हुआ ना तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। यस, और ये जो सपोर्ट है 16,600 का, उसके बाद है 16,500 पे बड़ा सपोर्ट, और 16,500 भी इसी लेवल पे है, ये सपोर्ट है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई, चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट का डाटा सारी सेम चीज़ें बता रहा है। हमें ये चीज़ बता रहा है कि ये जो लेवल है, ये लेवल टूटना थोड़ा सा मुश्किल है अगर गैप डाउन नहीं होता। वही चीज़ मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर गैप डाउन होता है तो ये पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। बट अगर कल गैप डाउन नहीं होता और ऊपर जा रहा होता है, 16,750 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी 17,000 पे पुट राइट कॉल राइटिंग करी हुई है, पहली बात तो वो उनको लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर इट क्रॉस 17,500। दूसरी चीज़, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा जिसपे न्यू बायर्स एंटर करेंगे, एंड तीसरी चीज, ये वाला जो सपोर्ट है को जहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है वो और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यस, वी कैन एक्सपेक्ट अ 17,000 मोमेंटम। बैंक निफ्टी की बात करते हैं,
बैंक निफ्टी पे भी सेम है, कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं. ऑन इज दिस साइड मेजर डिफरेंस थोड़ा सा है बैंक निफ्टी के अंदर. हाईएस्ट कॉल राइटिंग 34,500 पे है और अभी 34,550 पे है. तो 50 रुपये बैंक निफ्टी के लिए तो कुछ नहीं है, मिनिमम 100 रुपये से ऊपर ही होना चाहिए. ठीक है, तो बाई चांस बैंक निफ्टी में वी कैन एक्सपेक्ट कि एक शायद छोटी सी डाउनफॉल आ सकती है और वी आर लुकिंग फॉर अ डाउनफॉल. बैंक निफ्टी में तो अभी हमने बात करी, वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउनफॉल बट वी विल एंटर इन अ डाउनफॉल इफ वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल एट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ठीक है, सो बैंक निफ्टी में देयर आर नॉट वेरी गुड सपोर्ट ऑन द क्लोजर लेवल बट फार में 33,500 and 34,000 पे जो कि थोड़े से ज्यादा दूर है. तो बैंक निफ्टी में ऑन अ बाय साइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इट्स नॉट गुड राइट नाउ. निफ्टी पे बाय कर सकते हैं अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है. बैंक निफ्टी में विल सी व्हेन द मार्केट ओपन और अगर ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज हमें देखने को मिलता है. ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या सब कुछ इंप्लीमेंट करना है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ प्लानिंग आप बना सकते हो उससे रिलेटेड मंडे के लिए, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. हैव अ वेरी गुड डे गाइज, बाय बाय.